अखिल भारतीय हिंदू महासभा का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन धर्म नगरी वृंदावन में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब आदि के प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। गुरुवार को मथुरा मार्ग स्थित रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में आयोजित अधिवेशन के समापन सत्र में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रपोत्र राजश्री चौधरी एवं अन्य पदाधिकारियों व संतों द्वारा गौ रक्षा, गो उद्योग, गौ कृषि आदि के माध्यम से जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग रोकथाम एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को उचित सम्मान आदि प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही निर्णय लिया गया कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के समीप आकृताओं द्वारा बनाए गए गैर संतानी ढांचे को महासभा द्वारा 6 सितम्बर को चुनौती दी जाएगी। जी, अखिल भारत हिंदू महासभा का 2 दिवसीय आयोजन किया गया है, क्या क्या बैठक में चर्चा रही है, क्या उद्देश्य? ये 2 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रोग्राम हुआ, ये प्रोग्राम इसीलिए हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम लोग चर्चा किए और गोरक्षा, गो उद्योग और अग्निहोत्र के माध्यम से ये प्रॉब्लम, जहां अरब खरब डॉलर स्पेंड होता है सिर्फ गोमाता का रक्षा करके और गो उद्योग अग्निहोत्र द्वारा कैसे हम लोग निवारण कर सकते हैं, इसका चर्चा हुआ। और हम लोग उनका 6 रेजोल्यूशंस इधर पास हुआ। पहला रेजोल्यूशन है कि हमारा जो गाय गोवंश है उसका हत्या करना पूरा बैन कर दिया जाए और भारतीय देसी नस्ल का जो गाय है उनको इंडेंजर्ड स्पीशीज डिक्लेयर किया जाए। इंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब जैसे ब्लैक बैक है पक्षियों में, वैसे रॉयल बंगाल टाइगर है जंतुओं में, वैसे माताओं में गोमाता जो भारतीय नस्ल का जो है उनको इंडेंजर स्पीशीज वर्ल्ड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाए। उसका हत्या बिल्कुल तो नहीं होना चाहिए, वैसे गोवंश का हत्या नहीं होना चाहिए। गोवंश में जो हमारा जो मेडिसिनल हाईली मेडिसिनल वैल्यू, हाई मेडिसिनल वैल्यू जिसका है देसी नस्ल का, उसका तो होना नहीं चाहिए। यह हमारा पहला रेजोल्यूशन था। सेकेंड रेजोल्यूशन था गो उद्योग, गो वर्जित जो पदार्थ है उनसे करीब करीब हमारा जो स्पीकर आए हुए थे प्रेमलता जी, उन्होंने 2000 से अधिक आइटम्स बनाया और इधर बेकारी दूरकरण का ये बहुत बड़ा एक स्कोप है, इधर बहुत बड़ा स्कोप है। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये ग्लोबल पॉलिसी, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का रूप से इसको लिया जाए, गो उद्योग को, इसका भी एक रेजोल्यूशन हम लोग पारित किया। तीसरा है अग्निहोत्र। कोविड का समय में हम सभी को पता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, कौन वीआईपी है और कौन आम जनता है ये विचार नहीं किया कोविड ने। जिसका कोविड पकड़ लिया तो उनको ऑक्सीजन का अभाव से उनका देहांत हो गया। अग्निहोत्र के माध्यम से जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है इसको रोक दिया जाएगा। तो इसीलिए अग्निहोत्र को भी इंटरनेशनल पॉलिसी में लिया जाए कि वायुमंडल में जो पोल्यूशन है और जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए, ये हमारा तीसरा था। चौथा जो है, आज हम लोग देखते हैं आतंकवाद फैल गया है, आतंकवादियों अभी सरकार भी बनाने लगा है, तो ये फंडिंग कहाँ से आ रहा है? हम सभी को पता है कोविड के बाद सभी का अर्थनीति बहुत तहस नहस हो गया, ये एक सिस्टम से आ रहा है। ये सिस्टम का नाम है हलाल सर्टिफाइड बिजनेस। ये हलालोनॉमिक्स बोल के जो एक अर्थनीति है इसका विरोध में ह्यूमनॉमिक्स के ऊपर हम लोग चर्चा किया और सरदार रवि रंजन जी ने उनका प्रस्तावना रखा कि झटका का माध्यम से, झटका फ्रेंचाइजी का माध्यम से ह्यूमनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करते हुए हम लोग ये टेररिज्म फंडिंग का जो सोर्सेज है ये सभी को बंद किया जाएगा।